जहर नहीं होता, काटता बहुत गंदा, इसको पकड़ लिया गया। अब इसको इसके प्राकृतिक मार्ग में छोड़ दिया जाएगा। साथियों, ये कोबरा नाग का बच्चा अभी शुगर फैक्ट्री के शिव मंदिर से पकड़ा। स्वास्थ्य खराब है, बुखार है, जुकाम है, परंतु ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जीवों को बचाने की। एक इन्हीं नाग देवताओं की वजह से हमारी पहचान बनी हुई है क्षेत्र में। आप लोगों से निवेदन है कि यदि सांप देखे तो उसको मारे ना, 108 में सूचना दें, वन विभाग को दें या हमें दें। आप स्वयं छेड़छाड़ ना करें, कई बार छेड़छाड़ करने के दौरान सांप काट लेता है तो उसके इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च होने का खतरा रहता है। आज का ये दूसरा सांप है, बिस्तर में आराम कर रहे थे, हमने सोचा चलें शिव मंदिर में भोले और भोले के गले में सांपों की माला होती है कि तुलसी के पास बैठे हुए थे, छोटा बच्चा है इसको, और ये आप ही देखिए ये चल दिए कैसे फल उठा के जा रहे हैं। सांप को उसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया। इस समय सर्दी हो रही है, सर्दी के कारण सांप घरों में घुस रहे हैं गर्मी की तलाश में। उनका आसान शिकार मेंढक और चूहा होने के कारण वो वहीं पर रह रहे हैं। सांप आपको तब दिखाई देगा जब उसको भूख लगेगी, वरना सांप ऐसे ही बैठा रहता है और आपको दिखाई भी नहीं देगा। छोटे बच्चे बूढ़े घर में हैं तो कम से कम अगर आपका घर खेत के किनारे है, जंगल किनारे है या गाँव में है और सांपों की अधिकता अगर आपके रहती है तो आप लोग बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ उठें, उन्हें बताएं कि सांप का खतरा हो सकता है। सांप दिखे तो आप उसको मारे नहीं। हम आपके सेवा में 24 घंटे सातों दिन रहते हैं। सांप की सूचना आप वन विभाग को दें, 108 को दें या हमें दें। धन्यवाद।